अगर आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી હું છું સિદ્ધાર્થ કે અંબાજીના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અંબાજીમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છે આકાશમાં ઘેરાયા છે વાદળો છવાતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે અચાનક જ અંબાજીના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે હવામાન વિભાગ આ પહેલા કોઈ આગાહી નથી કરી પરંતુ અચિંતા જ વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાતા ખેડૂતો પણ ચિંતિત છે ચોમાસું સત્તાવાર રીતે વિદાય લઈ ચૂક્યું છે પરંતુ વાદળછાયું વાતાવરણ થતા વરસાદ ન થાય તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે समाचार में हवे बात रण संग्राम नी तो आज भारत पाकिस्तान नी टक्कर दुबई में कोहली सेना काटशे पाक नो दम पाकिस्तान ने धूल चटाड़वा मैदाने उतरशे विराट सेना जीतशे हिंदुस्तान टीवी फोड़शे पाकिस्तान भारत में उजवाशे दिवाळी तो पाकिस्तान में होली दुबई में पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक करवा भारत सज्ज छे सौथी मोटा शत्रु सामे सर्जिकल स्ट्राइक करवा कोहली टोळकी तैयार छे कोहली नी टोळकी ना इरादा छे पाक साफ आज इंडिया पाकिस्तान नो मैच छे अने T20 वर्ल्ड कप चाली रह्यो छे आशा करी कि टीम इंडिया खूब सारू परफॉर्मेंस करे हजी सुधी तो रेकॉर्ड छे कि इंडियाए पाकिस्तान ने हजी सुधी कोई दिवस जीतवा दीधुं नथी अने हवे पण नहीं जीतवा दे ए माटे टीम इंडिया ने खूब खूब शुभकामनाओ अने खास करीने रविंद्र जाडेजा ने पण खूब शुभेच्छाओ अत्यार सुधी बहु सारू परफॉर्म कर्युं छे आईपीएल में खूब सारू रम्या छे अने T20 में पण आनाथी वधारे सारू परफॉर्म करे चाहे बेटिंग होय बॉलिंग होय के फील्डिंग होय पोतानुं 100% आपे अने इंडिया वर्ल्ड कप लईने आवे तो भारत पाकिस्तान मैच ने लईने जोरदार उत्साह छे अमदावाद में बिग स्क्रीन पर जोई शकाशे भारत पाकिस्तान नी मैच शहर ना तमाम पीवीआर मल्टीप्लेक्स हाउसफुल छे 349 થી 699 સુધી ટિકિટનું થયું છે વેચાણ સૌથી વધુ ઓનલાઈન બુકિંગ થયું છે જે મેચ માટેના થિયેટર્સ ખોલવામાં આવ્યા હતા બિગ સ્ક્રીન ઉપર લોકો મેચ જોવે તે માટેના આ પ્રયાસ થિયેટર્સ તરફથી કરવામાં આવ્યા હતા ઓનલાઈન બુકિંગમાં સમગ્ર થિયેટર્સ બુક થઈ ગયા છે લોકો મેચ નિહાળવા થિયેટર પર પોતાની પસંદગી ઉતારી રહ્યા છે કોરોના કાળમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે આ ટિકિટનું વેચાણ થયું છે અને ઓનલાઈન બુકિંગ પણ ફૂલ થઈ ગયું હોવાની જાણકારી છે तो T20 विश्व कप में जयरे भारत पाकिस्तान आमने सामने टकरावा जाइ रहा है तरह क्रिकेट प्रेमीओ में भारे उत्साह जोवा मळी रह्यो छे अमदावाद मणिनगर में भारतीय टीम नो उत्साह वधारवा युवानों पोस्टरो साथे रस्ता पर आया हाई वोल्टेज मैच ने लईने गुजरात सहित समग्र देश में भारे उत्साह नो माहौल छे लोको अवनवी रीते भारतीय टीम ने शुभेच्छाओ पाठवी रहा छे तो केटलीय जग्याए जंग जेवो माहौल पण जोवा मळी रह्यो छे भारत पाकिस्तान मैच ने लईने अमदावाद में लोगों में उत्साह स्पष्ट दिखाई रहा है अत्यारे आप जोई रहा छो कि क्रिकेट प्रेमी खास तरीके ने अलग अलग सूत्रोच्चार करी रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो अहीं जे अहीं क्रिकेट प्रेमी छे आजनी मैच ने लईने केवा प्रकारनो उत्साह छे शुं कहेशो आजनी मैच ने लईने क्रिकेट प्रेमी क्या प्लेयर पर बेट मारी रह्या छो हुं आखी टीम पर आम जो इंडिया नी टीम पर बेट मारी रह्यो छुं एटला माटे के घणा वक्त समय लांबा समय पछी आजे इंडिया ने पाकिस्तान नी मैच थवा जई रही छे त्यारे आखा देश नी नजर दुनिया नी पण नजर आजनी आ मैच पर छे अने आजनी आ मैच आ भारत एक युद्धना मैदान नी माफक इंडिया नी प्रजा पण जोई रही छे અને એ રીતે એને શુભકામના ઇન્ડિયાની ટીમને આપી રહી છે કે જે રીતે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી અને આતંકવાદનો પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને ઇન્ડિયન આર્મીએ ખાત્મો બોલાવ્યો તે જ રીતે ઇન્ડિયાની ટીમ ક્રિકેટ ટીમ આજે દુબઈના ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરી અને પાકિસ્તાન ટીમનો ખાત્મો બોલાવે અને ફરી એમને ઊંઘને સપનામાં પણ આવે ઇન્ડિયાની ટીમ અને ભારતનો નકશો દેખાય અને ભારત દેખાય ત્યારે પણ એમની ઊંઘ આરામ થઈ જાય એવી આજે જીત આપવાની જરૂર છે આજે જો બુમરાહ ફિટ થાય તો 3-3 પ્લેયર કદાચ હોઈ શકે ગુજરાતથી આજે ગુજરાતના પ્લેયરો અત્યારે બધા ફિટ છે અને ખૂબ જ ફોર્મમાં છે અને એ કાયમ પાકિસ્તાનને પરાસ્ત કરવા તૈયાર જ હોય છે યુદ્ધનું મેદાન હોય કે ક્રિકેટનું મેદાન હોય અને આજે ઇન્ડિયાને ચીયર કરવા અમે સૌ ભેગા થયા છીએ અહીંયા અને આપણા ગુજરાતના ખેલાડીઓને પણ ચીયર કરવા અહીંયા ભેગા થયા છે બિલકુલ
આજની ક્રિકેટ મેચના ફોર્મેશનમાં શું લાગે છે? કોમ્બિનેશન જોવા જોઈએ તો અત્યાર સુધીનો જે વર્લ્ડ રેકોર્ડની વર્લ્ડ ક્રિકેટની અંદર જોવા જઈએ, જ્યારે જ્યારે ટુર્નામેન્ટ થઈ છે, ભારતનું પડલું ભાડી ગયું છે. ટી ટ્વેન્ટી વર્લ્ડ કપમાં હંમેશા ભારત પાકિસ્તાનની મેચમાં ભારત જીતેલું છે. બધા જ પ્લેયરો આપણા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બધા જ ફોર્મમાં છે અને પાકિસ્તાનને હરાવવા માટે ઉત્સુક છે કે ભારત પાકિસ્તાનની કોઈ બી બોર્ડર હોય, ભારત પાકિસ્તાનનું કે ક્રિકેટ ટીમનું મેદાન હોય, હંમેશા ભારતે જીત હાંસલ કરી છે. મેં આજના જ પેપરમાં વાંચ્યું કે પાકિસ્તાનની મંદી આજે છેલ્લી પરાકાષ્ઠા ઉપર છે. મને એવું લાગે છે કે એમની આજે મંદી વધવાની છે, કારણ કે પાકિસ્તાન આજે હારવાનું છે અને ટેલિવિઝનો તૂટવાના છે. જે આપ જોઈ રહ્યા છો અત્યારે જે પોસ્ટર છે એમાં પણ બુમરાહ છે, રોહિત શર્મા છે, રવિન્દ્ર જાડેજા છે, આ પ્રકારે જે ઇલેવન પ્લેઇંગ સ્કવોડ છે એ અંતરે જોવા મળી રહી છે. હર્ષદભાઈ, અત્યારે જે માહોલ છે કેવી રીતે લાગી રહ્યું છે? ભારતનું પડડું હંમેશા આમ તો પાકિસ્તાન સામે મજબૂત જ રહ્યું છે, પણ આજની મેચને લઈને આપનું શું માનવું? દરેક ફોર્મેટમાં ભારત જ્યારે જ્યારે પણ પાકિસ્તાન સામે રમે છે ત્યારે પૂરી મજબૂતાઈ થઈ લડે છે. જે પ્રમાણે સરહદને પાર આપણા ફોજી સ્ટ્રાઇક કરી આવ્યા, એ બિલકુલ એવી રીતે વિરાટ કોહલીની ટીમ દુબઈમાં જે તટસ્થ મેદાન કહી શકાય છે, દુનિયાભરના દેશોની નજર જે એની ઉપર હોય છે, એ ક્રિકેટના મેદાનમાં આજે ફરી એકવાર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી અને ગુજરાતના યુવાન ક્રિકેટરો અને વિરાટ કોહલી દેશને મોટામાં મોટી ક્રિકેટના વિજયની આ જરૂર ભેટ ધરશે. બિલકુલ, સૌથી સારી વાત એ છે કે ધોની મેન્ટર તરીકે ડ્રેસિંગ રૂમમાં છે, એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે ઉત્સાહ ભારત પાકિસ્તાનની મેચને અને ભારતના જે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ છે, અમદાવાદના ક્રિકેટ પ્રેમીઓ છે, એમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. કેમેરામેન પરસિંગ સાથે જનક દવે, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. પાકિસ્તાન સામે યોજાનારી મેચમાં ભારતનો વિજય થાય તે માટે રાજકોટમાં યજ્ઞ યોજવામાં આવ્યો હતો. નાગર બોર્ડિંગ ખાતે યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. હાટકેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં આ યજ્ઞ યોજાયો હતો. ભારતને T20 વર્લ્ડ કપમાં જીત મળે તે હેતુથી આ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો. શહેરમાં જૈન વિઝન અને મધુર ક્લબ દ્વારા LED સ્ક્રીનનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી લોકો મોટી સ્ક્રીન પર મેચ જોઈ શકે. આજે મોટી સ્ક્રીન ઉપર મેચ લોકો જોઈ શકે તે માટેનું આયોજન કરાવ્યું. તે પહેલા જ અત્યારથી જ લોકોની અંદર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તે માટે આજે ભારત જીતે તે માટે એક હવનનું પણ હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરના સાનિધ્યમાં એક હવનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જૈન વિઝન અને મધુરમ ક્લબ દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ પ્રકારના લાઈવ મેચનું આયોજન અમે કરતા આવ્યા છીએ. આજે પણ વિશાળ પટાંગણ નાગર બોર્ડિંગના ગ્રાઉન્ડની અંદર આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જે હમણાં જ અમે હવન પણ કર્યો, વિજય થાય તે માટે મહાદેવ પાસે પ્રાર્થના પણ કરી. તો ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ મેચને લઈને સમગ્ર દેશમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામાને લઈ રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં આ મહામુકાબલા માટે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં ખૂબ જ જોશ ભરેલો માહોલ જોવા મળ્યો. જેતપુર સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશનના ક્રિકેટ ખેલાડીઓ માટે વિનામૂલ્યે મોટી સ્ક્રીન મેચ બતાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મેચ ભલે સાંજે શરૂ થતી રહી હોય પરંતુ અત્યારથી જ મહાસંગ્રામનો માહોલ જામી ગયો છે. વિરાટ કોહલીથી લઈ રોહિત શર્માથી લઈને બધાને સિક્સરો ફોરો લાગવાની છે, રનોનો બરસાર થશે, આતશબાજી જબરદસ્ત થવાની છે, ઇન્ડિયા જીતવાનું છે, ફાઇનલ છે. આ તરફ લોકમત મીડિયા ગ્રુપની ગોલ્ડન જ્યુબિલીની ઉજવણીના ભાગરૂપે નાગપુરમાં નેશનલ ઇન્ટર રિલિજિયસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી રહી છે. સીધા ત્યાં જઈએ અને જાણીએ કે શું માહિતી છે. ઓર ઇની કાર્યક્રમો કે મધ્ય ઇસ કોન્ફરન્સ કે માધ્યમ સે આજ હમને દુનિયા કો યહ સંદેશ દેને કી કોશિશ કી હૈ કે શાંતિ ઓર સદભાવ સે હી પૂરી દુનિયા ધર્મ કે વાસ્તવિક રાહ પર ચલ સકતી હૈ. મેં લોકમત સમૂહ કી ઓર સે શ્રી ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર જી, યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ જી, અહિંસા વિશ્વ ભારતી સંસ્થાપક આચાર્ય લોકેશ મુનિજી, ગદ્દી નશીન દરગાહ અજમેર શરીફ કે હાજી સૈયદ સલમાન ચિશ્તીજી, જીવન વિદ્યા મિશન કે શ્રી પ્રહલાદ વામનરાવ પૈજી, આજ બિશપ કાર્ડિનલ ઓસવાળ ગ્રેસજી, મહાબોધિ ઇન્ટરનેશનલ મેડિટેશન સેન્ટર લે કે ભિક્ષુ સંઘ સેનાજી તથા વાપ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા કે બ્રહ્મ વિહારી દાસજી સ્વામીજી કો મેં શ્રદ્ધાપૂર્વક
उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त निकाला और हम सभी को दुनिया में शांति फैलाने का संदेश दिया। वक्त वक्त पर आपकी मिलने वाली तालियां ये बात बता रही थी कि सब महानुभावों का कि ये जो विचार है वो हमारे दिल तक जा पहुंचा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, जिनका स्नेह हमेशा ही हमें प्राप्त होता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं महापौर श्री दयाशंकर तिवारी जी का। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि लोकमत मीडिया एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन श्री विजय दर्डा जी की यह संकल्पना है और इसी संकल्पना से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है और सफल हो पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी का आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार। राष्ट्रगान प्लीज। નાગપુરમાં નેશનલ ઇન્ટર રિલિજિયસ કોન્ફરન્સ યોજાય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં એ તમામ નેતાઓએ વર્ગના તમામ ઉચ્ચ લોકો જોડાયા છે કે જેઓ થકી લોકમત આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યું છે। લોકમત મીડિયાની ગ્રુપની આ ગોલ્ડન જ્યુબિલીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। हाल में अमित शाह संबोधन कर रहा है, त्यां जुए। तीनों के बाद जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे जम्मू के मेरे प्यारे भाई और बहन, मित्रों, कल से मेरे मन में एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था कि बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, मैदान में पानी भर गया है, शायद मैं आपको मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। मगर माता वैष्णो देवी की कृपा देखिए, धूप निकल आई है और आप सब मेरे सामने। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया। और आज उसी दिन पर आज हम सब लोग यहां एकत्रित आए हैं, जहां पर भी प्रेमनाथ जी की आत्मा होगी, श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा, दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों,
5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे, मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। महिलाओं को, अधिकारों को रोक रख, इसको भी मोदी जी ने एक साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया, सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया, दलितों के और ट्राइबल पर के अधिकारों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लाए। जो मेरे आदिवासी भाई जंगल के अंदर रह रहे हैं उनको जमीन के पट्टे का अधिकार भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब आज ढेर सारे चीजों का उद्घाटन हुआ है। मनोज जी ने विस्तृत रूप से इसकी मीमांसा करी है। मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू को कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है, नए और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके हैं। पहले 500 विद्यार्थी यहां से MBBS कर सकते थे, अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहां MBBS कर पाएंगे, किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत। आज IIT का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं, ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं, इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। और धर्मेंद्र भाई ने मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। IIT, IIM और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिंता की। और मित्रों, मैंने तीनों डायरेक्टरों के साथ चर्चे चलते बात करी है कि भाई ये बात सही है आपके IIT में 2000 बच्चे आएंगे, मगर मेरे जम्मू कश्मीर के कितने आएंगे? तो उन्होंने कहा साहब, ये तो ओपन एग्जाम होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, देश का कोई भी बच्चा यहाँ आ सकता है। मेरे को होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु क्या हम सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाए? तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे। मित्रों, कल एक अभिनव प्रयोग मैंने देखा, 4500 यूथ क्लब यहां खोले गए हैं, 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की, किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले हैं, वो लोग समाज सेवा के काम में जुटे। मैंने भी उनको कहा कि आप लोग ढूंढ लीजिए आपके गांव में एक भी माता, एक भी बहन, एक भी महिला गैस के सिलेंडर वगैरह की है तो आप जरूर पत्र लिख दीजिए, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की एक भी माता के घर में गैस का चूल्हा न हो, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के एक भी नागरिक के घर में बिजली का कनेक्शन न हो, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के एक भी नागरिक के घर में नल से शुद्ध पीने का पानी न आए। अगर ये 45,000 युवा
जम्मू कश्मीर के गरीबों की सेवा में लगते हैं तो मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये युवा देखते देखते जम्मू कश्मीर को बदल देंगे। मित्रों, इसके साथ साथ रोजगारी की दिशा में 25,000 सरकारी नौकरियां सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा दे दी गई है। आज के दिन ही 7,000 लोगों को नियुक्ति पत्र अलग अलग प्रकार के देने का काम इसी मंच पर किया गया है। हमारे संचालक महोदय थोड़े कंफ्यूज थे, आंकड़ा टुकड़े टुकड़े बताते थे, मैं बता देता हूं, आज आपके सामने ही 7,000 लोगों को अलग अलग प्रकार के नियुक्ति पत्र, रोजगारी के काम के पत्र दे दिए गए। मित्रों, निवेश के चलते 5,00,000 नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए तब मजाक उड़ाते थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये तीन परिवार वाले जो शोषण करे है ना सालों तक आपका, करे या नहीं करे, अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे, ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहाँ, ये मोदी जी का कमाल है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूँ, 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5,00,000 जम्मू के, 5,00,000 जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NEEP, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ छापे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये तीन परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके तीन परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांग, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है, 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी है। आप हमारा हिसाब मांगते, आपने अपने परिवार के अलावे किसी की चिंता की है क्या, किए जम्मू वालों बोलो जरा, किए क्या, जम्मू को अन्याय किया या नहीं किया। मित्रों, ये मोदी जी का शासन है, ना किसी को न्याय होगा ना किसी का तुष्टिकरण होगा, एपीसमेंट भी किसी का नहीं होगा। मित्रों, औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए भी आज यहां पर योजनाएं की गई है, चतुर्श्रेणी की नियुक्ति के लिए भी पत्र दिए गए हैं, पंचायत लेखा सहायकों की भी नियुक्ति हुई है। मुमकिन के तहत 500 वाहनों का अंदर कहीं दूर खड़े करे हैं, 500 वाहन जम्मू के युवाओं को दिए हैं जो उनकी रोजगारी का काम करेंगे। तेजस्वी के तहत 2,000 महिला उद्यमियों को सहायता दी है, 15,000 रेहड़ी पटरी धारकों को 10,000 रुपए का सिर्फ 6% में लोन देने का काम आज ही हुआ है। 1,000 लोगों को वन अधिकार प्रमाण पत्र दिया है, 50 युवाओं को विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के साथ जोड़ा गया है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की रोलिंग ट्रॉफी तैयार की शुरू की गई है। बागे भोर में आज पर्यावरण का शुभारंभ, लगभग 6.5 करोड़ के साथ 28 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा उद्यान बनाने की शुरुआत हुई है। 104 सेंट्रलाइज हेल्थ हेल्पलाइन का शुरुआत हुआ है। गर्ल्स हॉस्टेल डिग्री और कॉलेज पलोरा का लगभग 12.5 करोड़ से आज उसका भूमि पूजन हुआ है।
और 272 परियोजनाओं के तहत 2000 करोड़ के रोडों का भी आज ही भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, एक ही दिन में अगर मैं बताता हूं तो लगभग 15000 करोड़ से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही इसी मंच पर जम्मू के लिए घोषित किए हैं। और ये तीनों परिवार के शासन का योग कर दो ना तो भी 15000 करोड़ नहीं होंगे। मित्रों, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई, प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए, और 2000 से 14 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत धरती पूर्णतया समाप्त हो। मित्रों, आरक्षण का जहां तक सवाल है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण नहीं था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने वाली है, इसका आयोग बन गया है, ओबीसी की जातियां भी अब तय होने वाली है, पहाड़ी जनजाति समुदायों के लिए 4% आरक्षण दे दिया गया है, आपका नुमाइंदा भी अब असेंबली में गौरव के साथ बैठेगा और मंत्री बनकर आपके बीच में आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो निवासी बसते हैं उनके लिए भी आरक्षण कर दिया गया है, मेरे गुर्जर भाइयों के लिए भी कुछ समय में आरक्षण की व्यवस्था हो जाने वाली है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, दिल्ली से कटरा तक अमृतसर के रास्ते 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। लगभग पर्यटन के लिए जम्मू को आजादी के बाद पहली बार कंसंट्रेशन करने का काम किया गया है। धार्मिक पर्यटन की सर्किटों का विकास हो रहा है और सिर्फ जम्मू क्षेत्र के अंदर मार्च महीने में 62,000 यात्री देश के और अंतरराष्ट्रीय आए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है। मित्रों, अब तो कुछ समय के अंदर ही, जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे ना तो बच्चों को मेट्रो ट्रेन में बिठा देते कि बेटा। श्वेत क्रांति ना 75 वर्ष की उजवणी થઈ રહી છે ત્યારે આવો જોઈએ કે અભિનેતા રાગી જાની શું કહી રહ્યા છે। આજે કુરિયન સાહેબ ને લાખ વંદન કરું છું, સલામ મારું છું કે જેમણે અમૂલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ કોર્પોરેશન ઊભું કર્યું। વર્ષોથી જેમણે અમૂલને ઘરે ઘરે પહોંચાડ્યું છે, અમૂલના દૂધને ઘરે ઘરે પહોંચાડ્યું છે, આ દેશના બાળકને દૂધ પીતું કર્યું હોય તો એ કુરિયન સાહેબને શ્રેય જાય છે, એ સફળતા કુરિયન સાહેબને જાય છે। ફરી એક વખત જે અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સરકાર હર જિલ્લે મે હેલિકોપ્ટર કા હેલીપેડ બનાને જા રહી હે, પ્રાઇવેટ લોક ઇન્વેસ્ટ કરેંગે ઓર હર જિલ્લે કો અલગ અલગ યાત્રા સ્થાનો કે સાથ જોડને કા કામ ઓર જમ્મુ સે હર જિલ્લે કો જોડને કા કામ યાત્રિકો કો પહોંચાને કામ એ હેલીપેડ સર્વિસ કે દ્વારા ઉંધા વાલા હે। મિત્રો, જમ્મુ કાશ્મીર કે ગાંવો કો 20-22 ઘંટા બિજલી ઉપલબ્ધ કરાને કે લિયે ये 4 वर्ष जो मोदी जी के थे उसमें 35,000 करोड़ रुपए की, कितना मैं बोलता हूं फिर से बोलो, 35,000 करोड़, कितना सुनाई नहीं पड़ता है, 35,000 करोड़ रुपए की उत्पादन जल विद्युत करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट कमीशन के कारण ये 3 परिवार जो रोक कर बैठे थे मोदी जी ने और एलजी साहब ने चालू कर दिया है। मित्रों, 35,000 करोड़ रुपए के। मित्रों, इससे पकादुल
624 मेगावाट, किरू शुरू हो चुकी है 340 मेगावाट वाली दुलहस्ती 2, 390 मेगावाट की किरथाई, 930 मेगावाट की किरथाई 2, 850 मेगावाट की राटले और 1856 मेगावाट की साकले कोटे की योजना शुरू होने जा रही है। मित्रों, ये बताता है कि मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर के नागरिकों का प्रायोरिटी कितना है। मित्रों, मैं आपको दो घटना जरूर बताना चाहता हूं। कोरोना आया, पूरा विश्व झंझोर कर रहे हैं, पर वो सब लोग सोचने लगे कि भारत जैसा देश कोरोना का मुकाबला कैसे करे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा वीक, मगर मोदी जी ने विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का मुकाबला कर सबसे कम मृत्यु दर भारत के अंदर। अभी तो मैंने भारत की बात करी, भाई मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे बताओ आप देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो बोलो। अरे जोर से बोलो, जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है। मित्रों, मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100% हो गया। और दूसरा, मोदी जी एक योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत देश के गरीबों को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी में से 60 करोड़ को 5 लाख तक का सारा आयुष्य का खर्चा, अपना स्वास्थ्य का खर्चा, आयुष्य बचाने के लिए का भारत सरकार उठा। मालूम है ना आपको, मगर जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक अकेला राज्य है ये जिसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए सेहत और आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का फायदा। ये बताता है कि मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर के लिए कितना लगाव। सभी घरों में गैस पहुंचा है, सभी घरों में शौचालय पहुंचा है, सभी घरों में बिजली पहुंचाई है, सभी घरों के अंदर रोजगारी पहुंचाने के काम भी हमने शुरू किए हैं। हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिए लगभग और भी योजना है 5 लाख बहनों को काम के साथ जोड़ने का काम हमने किया है। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति अगर देखे तो ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर हमने देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सौभाग्य, इंद्रधनुष, उज्ज्वला और उजाला, इसमें 100% वृद्धि ली है। जम्मू कश्मीर के 11 लाख 97 हजार किसानों को 6000 रुपया पहुंचता है। मुद्रा योजना का लक्ष्य 100% प्राप्त कर दिया गया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की लोकतंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को, 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना। मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूँ, मेरा पंच सरपंच भी भारत का सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मेरे पहाड़ वाले हैं, बैठे हैं पहाड़ी भाई यहाँ पर, उनके यहां से चुनाव कभी ये नहीं जीतते थे। अरे मैं आपको कहने आया हूं, आपके यहां से चुनाव जीतने वाला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, अब कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर
लोकतंत्र को प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये लोकतंत्र प्रस्तावित होते ही जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार सामान्य स्थिति पैदा होगी। मित्रों, हम सभी के लिए और मेरे और आपके लिए विशेष रूप से एक स्वप्न था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न पूरा हो। हमारा स्वप्न था कि श्यामा प्रसाद जी का बलिदान जिस चीज के लिए आया है वो दिन हमारे जीवन में आप देख पाए। मैं आप सबको कहता हूं, मोदी जी के कारण ही आज हम वो दिन देख पाए हैं कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न पूरा हो। मैं जम्मू वाले को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने विकास की प्रक्रिया चालू की है, जम्मू वाले चट्टान की तरह इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं बताइए जोर से, जो और जोर से बताइए, खड़े हैं या नहीं खड़े। मित्रों, ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा, ये मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास। मित्रों, 2 घंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे, खराब मौसम होने के बावजूद भी पधारे, पहाड़ से भी मेरे इतने सारे भाई आए हैं, मैं सभी का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ आज गगन भेदी नारा लगना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए कि कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी लोग, कश्मीर के विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद महोदय, हम सब आज आपकी उपस्थिति से धन्य हो गए। પીએમ મોદીએ વિકાસની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે અને 2022 સુધીમાં હજુ પણ અનેક લોકો ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવશે। જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને ફરી એક વખત રોજગારી મોટા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થશે તે માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી। અને દેશનું પહેલું એવું રાજ્ય બન્યું છે જમ્મુ કાશ્મીર કે જ્યાં 100% ટીકાકરણ થયું છે, પહેલો ડોઝ લાગી ચૂક્યો છે, જે વસ્તી વેક્સિન લેવાને લાયક હતી તેને લઈને। समाचारों में बस आटलू, जो आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। न्यूज हेडलाइन ना प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा